हाय दोस्तों, मैं हूं आपके साथ तन्वी सूद। आज जहां एक तरफ बॉलीवुड के किंग खान शाहरुख की फिल्म जीरो ने थिएटर्स पर दस्तक दी है, वहीं दूसरी तरफ कन्नड़ के रॉकिंग स्टार यश की फिल्म KGF चैप्टर 1 भी रिलीज हो चुकी है। जी हां, इस फिल्म के ट्रेलर ने तो जनता का दिल जीत लिया था, लेकिन अब फिल्म क्या अपना जादू चलाने में कामयाब हुई है या नहीं, आइए आपको हमारी इस खास रिपोर्ट में बताते हैं। सबसे पहले बात करते हैं फिल्म की कहानी की। KGF पार्ट 1 की कहानी एक ऐसे करेक्टर के इर्द गिर्द घूमती है जो कि काफी पावरफुल है। यश ने इस फिल्म में रॉकी नाम के लड़के का किरदार निभाया है, जिसका सपना दुनिया पर अपना हुकूमत चलाने का होता है, लेकिन अपना सपना पूरा करने के चलते वो एक ऐसे गैंगस्टर के संपर्क में आ जाता है जो उसे एक व्यक्ति का मर्डर करने के लिए कहता है। और जब वो उस इंसान को मारने के लिए बताए हुए जगह पर पहुंचता है तो उसे पता चलता है कि वो जिसे मारने गया है उसका अपना ही है। इसके बाद इस फिल्म में कई ट्विस्ट एंड टर्न्स आते हैं। वहीं बात करें स्टार्स की एक्टिंग की, तो जहां यश ने हर किसी को अपना दीवाना कर दिया है, वहीं इस फिल्म की एक्ट्रेस श्रीनिधि शेट्टी, अच्युत कुमार, मालविका अविनाश जैसे स्टार्स ने भी अपनी एक्टिंग से लोगों का दिल जीता। इस फिल्म में मौनी रॉय का गाना गली गली लोगों को खूब पसंद भी आया। ओवरऑल क्रिटिक्स का इस फिल्म को काफी अच्छा रिस्पॉन्स मिला है। क्रिटिक्स का मानना है कि इस फिल्म में आपको भरपूर एक्शन, जबरदस्त स्टोरी लाइन देखने को मिलेगी। बता दें इस फिल्म को तमिल, तेलुगु, हिंदी और मलयालम चार भाषाओं में रिलीज किया गया है और इस फिल्म का दूसरा पार्ट भी रिलीज होगा। प्रशांत नील के डायरेक्शन में बनी इस फिल्म को क्रिटिक्स ने 3.5 स्टार दिए हैं। वेल, अब देखना ये होगा कि बॉक्स ऑफिस पर शाहरुख की जीत होती है या फिर यश की।